दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए BCCI ने 15 सदस्य भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, BCCI ने जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज के लिए 15 सदस्य खिलाड़ियों का नाम 100% कंफर्म कर दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए BCCI ने युवा खिलाड़ी शुभमन गिल को भारतीय टीम का कप्तान बनाया है। शुभमन गिल की अगुवाई में BCCI ने सिर्फ और सिर्फ विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी करने वाले युवा खिलाड़ियों को ही जिम्बाब्वे के दौरे के लिए टीम में शामिल किया है। IPL 2024 के सीजन में अपने बल्ले से तूफानी बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी और घातक गेंदबाजी करने वाले प्लेयर्स को ही जिम्बाब्वे के दौरे पर टीम में खेलने का मौका मिला है। रिंकू सिंह, रियान पराग, अभिषेक शर्मा जैसे धुरंधर खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल BSP क्रिकेट न्यूज में। जिम्बाब्वे के खिलाफ किन 15 युवा खिलाड़ियों को भारतीय स्क्वाड में शामिल किया है, कौन कौन से 15 खिलाड़ी हैं जो जिम्बाब्वे के दौरे पर T20 सीरीज के लिए जाने वाले हैं, भारत और जिम्बाब्वे का क्या रहने वाला है, 5 T20 मैचों का पूरा शेड्यूल, इस मुकाबले को आप लाइव कब, कहां और कैसे देख पाएंगे, तमाम सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल में कौन सबसे बेस्ट ओपनर बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। दोस्तों, T20 फॉर्मेट के लिए BCCI अब सिर्फ और सिर्फ युवा खिलाड़ियों को ही खेलने के लिए तैयार कर रही है, जिसकी शुरुआत जिम्बाब्वे के खिलाफ हो चुकी है। शुभमन गिल भारतीय टीम के कमान संभालेंगे, जबकि उनके अंदर में केवल युवा खिलाड़ी ही बल्लेबाजी और गेंदबाजी करेंगे। आपको बता दें, भारत और जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 6 जुलाई को खेला जाएगा, दूसरा 7 जुलाई को, तीसरा 10 जुलाई को, जबकि चौथा और पांचवा 13 और 14 जुलाई को खेला जाएगा। ये सभी मुकाबले एक ही क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप DD स्पोर्ट्स चैनल पर देख पाएंगे, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर की जाएगी। दोस्तों, इस बार BCCI केवल युवा खिलाड़ियों को ही T20 फॉर्मेट में मैदान पर उतारने जा रही है। अब देखना यह होगा कि यह खिलाड़ी जिस तरह से IPL में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे थे, क्या अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भी उसी तरह से प्रदर्शन दिखा पाएंगे या नहीं। तो आइए दोस्तों, अब आपका बिना ज्यादा वक्त लिए आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ चुने गए 15 सदस्य भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम कप्तान शुभमन गिल का आता है। शुभमन को T20 वर्ल्ड कप 2024 में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि शुभमन गिल एक विस्फोटक युवा ओपनर बल्लेबाज है, इसलिए उन्हें अब भारतीय टीम में शामिल ही नहीं किया गया, बल्कि उन्हें कप्तान बना दिया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ शुभमन गिल अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन करके सीरीज जीत कर ही वापस भारत लौटेंगे। गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल ने काफी शानदार कैप्टनस दिखाई, जबकि इसके बाद दोस्तों इस लिस्ट में दूसरा नाम यशस्वी जायसवाल का आता है। जायसवाल T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनाए गए थे और जिम्बाब्वे के खिलाफ ही इन्हें खेलने का मौका मिला। IPL 2024 के सीजन में आपने देखा ही होगा कि जायसवाल किस तरह से तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पावर प्ले में अटैकिंग अप्रोच रखते हैं, एक बार जब मैदान में सेट होते हैं तो सिर्फ चौके में ही डील करते हैं, जबकि इसके बाद दोस्तों तीसरे खिलाड़ी के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ स्क्वाड का हिस्सा है। गायकवाड़ एक बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज है, जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्हें टीम में शामिल होने का मौका मिला। IPL सीजन इनका भी काफी बढ़िया गया, इससे पहले भी गायकवाड़ भारतीय टीम के लिए कई मुकाबले खेल चुके, जबकि चौथे खिलाड़ी के तौर पर विस्फोटक ओपन बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को पहली बार भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया है। अब देखना यह होगा कि अभिषेक शर्मा का डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ होगा या नहीं, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी शुभमन गिल, जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ तीन ओपनर पहले से ही टीम में शामिल है। अब चौथे ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा शामिल किए गए हैं। IPL 2024 में ट्रेविस हेड के साथ अभिषेक शर्मा ने ऐसी तबाही मचाई थी कि BCCI अभिषेक शर्मा को भारतीय टीम में शामिल करने पर मजबूर हो गई। हालांकि उन्हें वर्ल्ड कप टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ अभिषेक शर्मा मुकाबला खेलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जबकि इसके बाद पांचवें खिलाड़ी के तौर पर नाम रिंकू सिंह का आता है। T20 फॉर्मेट के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक रिंकू सिंह है, जो कि अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सबका दिल जीत चुके हैं। रिंकू सिंह प्लेइंग 11 में शामिल किए जाते हैं, जो कि अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। 20 फॉर्मेट के रिंकू सिंह बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से IPL में खेलते हैं, जबकि इसके बाद छठे खिलाड़ी के तौर पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को स्क्वाड में शामिल किया गया है। संजू सैमसन T20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें कोई भी मुकाबला खेलने को नहीं मिला, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ 100% संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, क्योंकि इस स्क्वाड में संजू सैमसन सबसे सीनियर विकेट कीपर बल्लेबाज है, जबकि बैकअप के तौर पर 7वें नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरल को स्क्वाड में शामिल होने का मौका मिला है। ध्रुव जुरल भी पहली बार T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका पा रहे हैं, जबकि 8वें नंबर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश रेड्डी को स्क्वाड में शामिल किया गया है। हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए नीतीश रेड्डी अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए थे। हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पर BCCI नीतीश रेड्डी को एक बेहतरीन ऑलराउंडर तैयार कर रही है। भारतीय टीम के पास काफी सारे ऑलराउंडर हैं, लेकिन तेज गेंदबाजी वाला ऑलराउंडर सिर्फ सबसे बेस्ट हार्दिक पांड्या है,
जबकि इसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पर विस्फोटक बल्लेबाज रियान पराग को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला है। IPL 2024 के सीजन में रियान पराग बिल्कुल भी नए अंदाज में बल्लेबाजी की, जिसके फल स्वरूप उन्हें भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला। जबकि इसके बाद 10वें नंबर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के साथ साथ स्पिन गेंदबाजी कमाल की करते हैं। 4 ओवर के स्पिन में उनकी गेंदबाजी बहुत ही खतरनाक होती है, जबकि उनके साथ स्पिन गेंदबाजी को और मजबूत बनाने के लिए 11वें खिलाड़ी के तौर पर रवि बिश्नोई को भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला है। रवि बिश्नोई भारतीय टीम के सबसे सफल स्पिनर गेंदबाज हैं। कई सारे मुकाबले भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं और परफॉर्मेंस तो इनकी लाजवाब है। जबकि इसके बाद तेज गेंदबाजी यूनिट को मजबूत बनाने के लिए 4 प्रमुख तेज गेंदबाजों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, BCCI ने आवेश खान, खलील अहमद, मुकेश कुमार और तुषार देश पांडे को पेश गेंदबाजी यूनिट की जिम्मेदारी दी है। आवेश खान, खलील अहमद और मुकेश कुमार, ये 3 गेंदबाज भारतीय टीम के लिए मुकाबले खेल चुके हैं। उनके पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, जबकि तुषार देश पांडे अभी तक सिर्फ IPL और घरेलू क्रिकेट में ही खेलने का मौका मिला। उन्हें पहली बार भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किया गया है, तो ऐसे में देखना होगा कि ये सभी खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। ये खिलाड़ी IPL 2024 के सीजन में तबाही मचा कर रखती है। इसके बाद BCCI ने इन्हें जिम्बाब्वे के दौरे पर जाने के लिए टीम में सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, ये रहा 15 सदस्य भारतीय टीम का स्क्वाड, जो जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज के लिए जाना होगा। आपके हिसाब से BCCI को और किन किन खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में मौका देना चाहिए था? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना कीमती सपोर्ट जरूर दिखाएं।